हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी जो है वो सातवें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो करेंगे आपदा। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी सातवें चरण शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने सचिवालय, शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री को प्राथमिक के सातवें चरण के शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति निकालने के लिए लगातार आवेदन दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विज्ञप्ति नहीं जारी होती है तो अभ्यर्थी पुनः एक बार पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल और जरूरत पड़ने पर आत्मदाह भी करेंगे, जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। साथ ही इससे जुड़े तमाम अभ्यर्थी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर #issue7phase1to8 के साथ ट्विटर कैंपेन किया, जो ट्विटर पर रिकॉर्ड 550,000 ट्वीट्स के साथ भारत और बिहार में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में रहा। इस ट्विटर कैंपेन में मुख्य रूप से संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार, अनुज कुमार, सौरभ प्रकाश, कुंदन भारती, उत्तम पांडे, गोविंद कुमार, सुभाष कुमार झा, पुष्पलता कुमारी, बेबी कुमारी, रूबी कुमारी समेत बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। तो ये लोग सातवें चरण के नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इन लोगों से बार बार कहा जा रहा था कि छठे चरण का जैसे ही ख़त्म होगा नियुक्ति प्रक्रिया, उसके बाद सातवें चरण का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये लोग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो ये लोग आत्मदाह करेंगे।